जी हाँ, आदरणीय संगीत प्रेमी मेरे दोस्त, मेरे साथियों एवं बड़े बुजुर्गों, आप लोगों के चरणों में पिंटू कुमार परदेशी का नमन है। और आइए, आज का जो अभिनय रखा गया है हमारे कंपनी के माध्यम से, भक्त धूर्प वनवास उर्फ सौतेली मां की कहानी, आइए इसी अभिनय में मैं आप लोगों के सामने एक राजा के रोल में आया हूं। मैं अपना परिचय बताने के लिए आया हूं, कहां मेरा घर पड़ता है और क्या मेरा नाम। परिचय देने से पहले देवाधिदेव महादेव के चरणों में मैं नमन करता हूं। मैया भवानी के चरणों में मैं नमन करता हूं। ये आवाज यहां तक भी देवी देवताओं के मंदिर तक जा रही है। तमाम देवी देवताओं के चरणों में मेरा नमन है। आइए इससे पहले परिचय की ओर, अरे नहीं
मेरा घर उत्तम पौर शहर पड़ता है और मेरा नाम राजा उत्तम पाठ सिंह। विधाता के इच्छा अनुसार संसार में मुझे कोई चीज की कमी नहीं है। विधाता का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, लेकिन ये सब धन दौलत को रहने के बावजूद भी मेरे हवेली में मेरी महारानी की ओर से एक भी पुत्र या पुत्री का जन्म नहीं हुआ, जिसके बिना ये राजपाट ये धन दौलत सब कुछ अधूरा है। हे देवाधिदेव महादेव, न जाने आपके साथ मैं कैसा भूल किया हूं जिसका सजा आप मुझे इतना बड़ा का दे रहे हैं। जब भी दरबार में आता हूं तो हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचता रहता हूं। आखिर जब मैं इस राज से गुजर जाऊंगा तो मेरे गुजर जाने के बाद कौन संभालेगा इस राज को, कौन संभालेगा मेरे सर के ताज को। हे विधाता, दिन रात मैं इस बात को सोचता रहता हूं। दरबार में मुझे ये पल भी मन नहीं लगता। खैर छोड़िए इन सब बातों को, विधाता के सामने किसी का नहीं चलता। जो विधाता सोचते हैं संसार में वही होता है। लेकिन जब भी मैं दरबार में आता हूं